नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक जैन और आपका स्वागत है हमारे चैनल नवकार सिस्टम्स पर। आज हम बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट ग्लास डोर लॉक के बारे में। इसको हम करेंगे अनबॉक्स जल्दी से। इसके साथ है ये यूज़र मैनुअल और ये इसके साथ मिलते हैं दो रिमोट, साथ में कुछ माउंटिंग स्क्रूज और ये इसके साथ है हमारा ये एक साइड ऑफ द ब्रैकेट है और ये दूसरा जो मेन पार्ट है लॉक का और ये है दो कार्ड्स जो इसके साथ मिलते हैं। अब हम आते हैं मेन पार्ट्स पर जल्दी से। ये है इसका बड़ा वाला प्लास्टिक का पार्ट और सेल्फ एडहेसिव डबल टेप स्टिकर और ये है छोटे वाले पार्ट का डबल साइड का। इसको हम रखते हैं साइड में। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर। हमें इसके अंदर है कार्ड, ये फिंगरप्रिंट का, ये पासवर्ड का और ये कार्ड टच करने का, रिमोट है, कार्ड है और मोबाइल ऐप है और बैक साइड पे हम इसकी हेल्प से भी लॉक को मैन्युअली अंदर की साइड से लॉक को अनलॉक अनलॉक कर सकते हैं। बैक साइड से ही ये बैटरी डालने का प्रोविजन है। इसमें हमें डालेंगे ड्यूरासेल की बैटरीज ये हमने डाल दी ड्यूरासेल की बैटरीज। हम करते हैं इसको बंद और ये हमारा लॉक है रेडी। स्टार और हैश से हम एडमिनिस्ट्रेटर में आ गए। वन को प्रेस करते हैं एड एडमिन। अब एडमिन का एक पासवर्ड लगाना पड़ता है। मान लीजिए मैंने लगाया 456456 एंटर 456456 एंटर। ये पासवर्ड हमारा एडमिन का लग गया है। अब एंटर नंबर वन लिखा हुआ आ रहा है। इसमें ये पासवर्ड या फिंगर या कार्ड, हम मान लीजिए एडमिन की एक फर्स्ट एडमिन बना रहे हैं, उसको हमें फिंगर से या कार्ड से या पासवर्ड से हमें एनरोल करना है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एडमिन की फिंगर लगाता हूँ, तीन बार ये फिंगर लगानी है। ये हमारा फर्स्ट एडमिन हमारा लग चुका है। हम जाकर टू में मॉडिफाई एडमिन कर सकते हैं। ये हैश का बटन है, ये ओके का बटन होता है और इसी तरीके से हम डिलीट भी एडमिट कर सकते हैं। डिलीट में जा करके और वाइप डाटा करेंगे, फोर करेंगे तो सारा डाटा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग हो जाएगी, जिस जो अभी हम कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डिनरी यूज़र में अगर हम एक नॉर्मल यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो टू में जाएंगे, ऐड ऑर्डिनरी, मॉडिफाई ऑर्डिनरी, डिलीट ऑर्डिनरी। यहाँ पर हम वन में जाएंगे और जो यूज़र्स हैं उनको हम एक एक करके ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सिस्टम सेट के अंदर टाइम सेटिंग, जिसमें कि सिस्टम की इस लॉक की डेट और टाइम सेटिंग होगी, ये देखिए। इसके बाद लैंग्वेज और वॉइस, यहाँ पर हम लैंग्वेज इंग्लिश या चाइनीज़ कर सकते हैं, वॉइस को कम ज़्यादा या बंद कर सकते हैं। ये जो बीप साउंड जाती है कीबोर्ड की या बेल की आवाज़ है, उसको हम बंद कर सकते हैं। और लॉक मोड सेट, यहाँ पर वैलिडेशन मोड्स हैं, इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। और डाटा रिकॉर्ड के अंदर जा कर के इसके सिस्टम के अगर हमें अनलॉक रिकॉर्ड्स को लेना है, क्वेरी टाइम, क्वेरी बाय आईडी, डाटा स्टैटिस्टिक्स, वर्जन इन्फो, ये सब बेसिक चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक बेसिकली लॉक का इसमें बेसिक यूसेज है। अब अगर हमने इस लॉक को ये देखिए, ये हमारा फिंगरप्रिंट से लॉक काम कर रहा है। किसी भी फिंगरप्रिंट से नहीं करेगा क्योंकि अब हमने इसमें एक एडमिन डाल दिया है। अब ये सिर्फ एडमिन की फिंगरप्रिंट से ही काम करेगा। और जब ये पार्ट सामने आएगा इसके, तो ये लॉक लग जाएगा। जब ये पार्ट इसके सामने आएगा ऑटोमेटिकली सॉरी उल्टा पकड़ लिया है इस तरीके से, ये लॉक लग गया है। अब ये लॉक सिचुएशन हो गई है। अब अगर हम इसको फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ये लॉक हमारा अनलॉक हो गया है। तो इस तरीके से ये इसकी लॉक की वर्किंग होती है। और
इसके साथ एक ऐप आती है जो जो कि ये एक मैनुअल इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है डाटा लॉक के नाम से। ये है डाटा लॉक के नाम से है। यहाँ से भी QR कोड स्कैन करके हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमने इस फोन में भी एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है डाटा लॉक के नाम से। ये डाटा लॉक के नाम से ऐप है, इसमें जाकर हमें इस लॉक को ऐड करना होगा। यहाँ पर जाएंगे, ऐड अ लॉक के अंदर मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ के थ्रू इसको स्कैन करेगा। यहाँ पर दिख रहा है प्लस पे हम जाएंगे। इसको हमने कोई नेम देना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेस्ट, और यहाँ पासवर्ड में हमने देना है 456 456 फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं, और ओके करेंगे। तो यहाँ से हमारा हम सारा ऑपरेशन, यूजर एडिशन, एडमिनिस्ट्रेटर और ऑपरेशन रिकॉर्ड, मतलब ये सब हमें मेन्यू को रेफर करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इवन हम लॉक को भी अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लॉक को ऑपरेट करना है, तो मैं यहीं से ही कर सकता हूँ। ये देखिए लॉक लग गया है। क्यों ये इस तरह की साउंड इसलिए आ रही है, क्योंकि नीचे इसके फोम ये जो पार्ट है, इसको जगह चाहिए घूमने की, तो इसके फ्रिक्शन मिल रही है। तो मैं इसको मोबाइल ऐप से दोबारा से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये लॉक्ड हो गया है, अब हम यहाँ पर अनलॉक का बटन दबाते हैं, ये अनलॉक हो गया है। और यहाँ पर अनलॉक सक्सेस आ गया। दोबारा से इसको करते हैं अनलॉक सक्सेसफुल। इससे अनलॉक ही होगा, लॉक लॉक नहीं होगा। लॉक तभी लॉक होगा जब इसके सामने, इसका ऑपोजिट पार्ट इसके सामने आएगा। इस तरीके से लॉक लग गया ये, और लॉक का भी इंडिकेशन इसमें आ जाता है। और ये थोड़ा सा इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से टाइम ले जाता है, और हम वापस ये हमारा अनलॉक हो जाएगा। ये एक बेसिक, अगर हमें ऑपरेशन रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज, तो ये इसने सिंक्रोनाइज किया और डाटा ये यहाँ से ले लेगा। अलाउ करते हैं और ये डाटा हमारे पास आ जाएगा कि कैसे, कब हमारा लॉक अनलॉक किया गया है। ऑथराइजेशन में जाते हैं, न्यू ऑथराइजेशन। लॉक का नाम टेस्ट आ रहा है, रिसीवर का नेम है द नेम ऑफ द की, वर्क नंबर, डिपार्टमेंट, इस तरीके। ये मल्टीपल ऑथराइजेशन, मल्टीपल यूजर्स अगर हमें ऐड करने हैं तो हम यहाँ से भी ऑथराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले यूजर मैनेजमेंट में जाते हैं, ऐड में जाते हैं, और एडमिन ऐड करना है, एवरेज यूजर ऐड करना है, हमें एवरेज यूजर ऐड करना है। यूजर नेम मैंने ऐड किया मौलिक, वर्क नंबर कुछ भी वो जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टार वाला फील्ड मैंडेटरी है हमारा। और अगर हमें इसमें टाइम लिमिट देनी है, कितने पीरियड के लिए वैलिड होना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके किया हमने। अब क्योंकि यहाँ पर हमने यूजर के नेम तो ऐड कर दिया, पर उसकी फिंगर हमें यहीं से ऐड करनी होगी, जिसको कि हम ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको हमने एक यूजर के रूप में ऐड कर लिया है। अब हम यूजर मैनेजमेंट में जाके चेक करते हैं, सिंक्रोनस करते हैं। यूजर मैनेजमेंट सिंक्रोनस, ये ऐप बहुत हैंग हो रही है इसके अंदर, आई थिंक ये फोन का इश्यू है कोई। फोन का इशू लगता है। जो सारे फीचर्स जो इस लॉक के रिगार्डिंग, जो मैनेज मैनेज से रिगार्डिंग है, वो हम इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं।
हमें ज़रूरी नहीं है कि वो इसका मेन्यू यूज़ करना, हम मोबाइल ऐप के थ्रू अनलॉक के अलावा मोबाइल ऐप के थ्रू इस पूरे लॉक को मैनेज भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से लेके और जो जनरल सेटिंग्स हैं वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, ओके, सेटअप द प्रॉम्प्ट, मल्टीलिंगुअल, फॉलो द सिस्टम, चेंज द पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अबाउट, तो ये बेसिक जो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था ये हमने यहाँ पर कर दिया है। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।